छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही, कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। कांग्रेस का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए और धन्ना सेठों के लिए है। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही, कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। अगर मैं भी बोलने जाऊंगा हर घोटाले की वर्णन तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, याद है ना? आपको याद है कि भूल गए हो? 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला, 500 करोड़ रुपए का चावल कस्टम मिलिंग घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का कोरोना केसेस का घोटाला। छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया है। हमारे देश का गरीब गरीबी हटाओ के नारे सुन सुनकर सामाजिक न्याय की थोथी बातें सुन सुनकर थक चुका था और इस वायदे के नाम पर कांग्रेस द्वारा साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी देश के गरीबों का भावनात्मक शोषण करते रहे। हर गरीब सोचता था कि कम से कम मेरा बच्चा तो गरीब नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस के झूठे वायदों ने हमेशा उसे और उसके बच्चों को गरीब बनाकर के ही रखा। इसलिए भारत का गरीब आत्मविश्वास खो रहा था, निराशा के ढेर में दबा जा रहा था। कांग्रेस का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए और धन्ना सेठों के लिए है। गरीब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वोट है। इसलिए कांग्रेस गरीब की कभी कद्र नहीं करती, उसे गरीब का दुख दर्द कभी समझ नहीं आता। और इसलिए जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही, वो गरीबों के हक का पैसा लूटकर खाती रही, अपने नेताओं की तिजोरी में भरती रही,